जय मां शान पूजावा मैं मोरिया पूजे मां शान पूजावा रे मोरिया पूजे मां शान पूजावा रे सुवराय बकरा के भोग लगावा सुवराय बकरा के भोग लगावा रे सुवराय बकरा के भोग लगावा रे जब मरने लगते हैं तब अरे अंतिम समैया जमवाकल जम के दूतवाकल तवाका है बेकार लागे मोहे मैया जन आया जब लागे मोहे मैया जन आया जब लागे मोहे मैया जन चक्कर में कम से कम गांव ही नहीं गांव देहात नहीं पर और गंवारे नहीं पढ़े लिखे शहर में रहने वाले भी 75% इसे ढोंग पाखंड में पढ़कर के अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। इस 420 के चक्कर में पढ़कर बर्बाद होते हैं। उसका हम तीन उपाय बताते हैं, अलग से कुछ नहीं। तीन करो, कोई पूछेगा नहीं, कोई तुम्हारे पास आएगा नहीं। शुद्ध और मस्त रहो, सदगुरु का भजन करो, माँ अगरबत्ती के घर में प्रज्वलित करते रहो और पूरे परिवार के साथ ताली बजाकर भजन करते रहो, मगन होकर खुश होकर के। फिर देखो तीन ही उपाय अपना लो। उस समय शरीर में थे, एक सोखा था, बड़ा आयड़ी था। क्या था? आयड़ी। आयड़ी बन जान रहे ओ कहीं कोई मुझे थोड़ा भूत से डरवा नहीं थे, देख रहा हूँ डरवा दे भला मुझको, हम भूत प्रेत को बांधता हूँ यही काम करेगा, मुझको भूत प्रेत कैसे पकड़ेगा सबको। और उसी के नाम पर पैसा लेता था और लोगों को छल कपट करता था। पुरंदर जी महाराज बोले, हमसे बोले कि अच्छा वो था बैंक का कैशियर, ठीक है बैंक का कैशियर चंद्रा बाबू, कौन चंद्रा बाबू जाति का ब्राह्मण, ठीक है जाति का ब्राह्मण चंद्रा बाबू। तो आप लोग जानते हैं ओ महाराज जी लोग क्या करते हैं, बंगाल लोग धोती ढीले ढाले पहनते हैं, तीन चीज नहीं छूटता, कितना हो रहेगा छाता नहीं छूटेगा और झोला और धोती इतना ढीला होगा कि क्या कहा जाए, ठीक है। पुरंदर जी महाराज कहेंगे चंद्रा बाबू को तो सबक सिखाना। ओ बोले तुम दीक्षा नहीं लोगे? बोला नहीं लेंगे। हम क्यों लें? हमारे 1000 शिष्य, हमारे 1000 शिष्य असही लाइन लगती थी भूत ही प्रेत वाले। तो बोले कि किससे? कहा कोई मुझे भूत से डरवा दे उसको गुरु मान लेंगे। बात बीत गई। एक दिन बोले कि ठीक है लेकिन चलो तुमको भूत दिखाएं तो तुम खड़े रह जाओगे? एकदम खड़े रह जाएंगे, क्या डर उसे? कहे ठीक है। एक समाधि थी कबीर साहब, तो कबीर साहब की समाधि थी जैसे कबीर पंथ का कोई महंत था गुरु चरण दास, उनकी समाधि थी। तो ऐसा होता था कि साल में एक बार शरीर को निकाला जाता था समाधि से बाहर, फिर पूजा उजा करके अंदर, ठीक है। तो कहे कि ठीक है एक काम करो, कल चलो उस कब्र उस समाधि के पास चलना है और निकलेगा और भूत जो है कि बाहर आएगा, लेकिन हाँ सजग रहना, धोती वोती खूब बांध लेना, बढ़िया बड़े बड़े मजबूत से, क्या पता भूतवा धोती है पकड़ ले। तो पर्वत का हाँ कैसे पकड़ लेगा? नहीं नहीं ठीक है सजग होकर आना। पुरंदर जी महाराज एक चेला को तैयार किए, पांडव कहे तुमको कुछ नहीं करना है। तो
तुमको समाधि के नीचे एक सफेद कपड़ा बांध करके सो जाना है। आज जो चंद्रा बाबू आएंगे तो कुछ नहीं करेंगे, धुतकी पकड़ना बस। अब क्या होगा, चंद्रा बाबू 11 12 बजे रात हो गए, अब पहले से जो उनका चेला था वो अपना एक सफेद कपड़ा पहनकर सोया था। और एक नंदर जी कहे, देखो अब गुरु चरण दास का भूत जागने वाला है, देख लेना अब जागेगा। अब वो तो अपने पहले से मौजूद था, अब बस देर किए न सवेर, आज कहे देखो भूत आने वाला है। अब तुरंत जो सोया हुआ था कुछ नहीं पाया, पहले तो पन ही मिला, पन ही छटपटाया। अब धोती तो बलिष्ठ पहने थे, अब भूत धोती छोड़े ही ना, वो चिल्लाने लगी बचाओ 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 बचाओ। अब क्या करे बेचारा, अपना धोती अपने खोल करके भागा। अब वो भागा तो पीछे पीछे दौड़ा दिया। अब पुरेंद्र जी महाराज पहले पूरे गांव में हल्ला कर दिए कि चंद्रा बाबू रात में आएगा बिना धोती के आएगा। अब वो सजग रहेगा, फाटक खोल खोल कर सजग रहेगा, एकदम उसको भूत दौड़ाएगा। गांव वाले बोले, वो तो भूत को वश में करता है, भूत को मुट्ठी में रखता है, भूत को बोतल में भरता है, उसको भूत दौड़ाएगा। हाँ बिल्कुल दौड़ाएगा। और पुरेंद्र जी बोले, धोती जब पकड़ लेना छोड़ के भागे तो भी तुम मत छोड़ना, तुम भी दौड़ा लेना। अब बात यही हुआ, गुरु चरण दास की समाधि में अब जे वो चंद्रा बाबू आए, अब पकड़े, अब धोती छोड़ा ही नहीं, भूत छोड़े नहीं, तो छोड़ करके जब भगे वो दौड़ा लिए, वो तो गिर गए चंद्रा बाबू, फिर खड़े हुए, भागते भागते गांव में भीड़ लगी है नीचे ऊपर। अरे चंद्रा बाबू क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, जल्दी से अपने घर में गया, फाटक बंद किया, हाँफ रहा है, सांस ले रहा है, अब मर जाएंगे, अरे बाप रे बाप, जान बची किसी तरह से, सचमुच भूत पकड़ा था। सच गांव वाले लोग बोले, उसके चेला लोग बोले, अरे गुरु जी कहो तू तो भूत से डरते रह रहा है। चुप रहो चुप रहो चुप रहो, ठीक है। उसके बाद सुरेंद्र जी महाराज गए, लोग जुटे, कहे तो मर जाएगा, हार्ट अटैक कर जाएगा। ये पीछे से गए, कहे कि अरे क्या हुआ तुमको, कहा कुछ नहीं, और गुरु चरण दास का सचमुच भूत आ गया था, सचमुच भूत आ गया था, अब हम अब बचेंगे नहीं। कह अच्छा काम करिए, इसको 7 घड़ा जल लाइए, 7 घड़ा जल लाए, फिर अपने साथी को उस नहवाए और फिर बोले, देखिए यही आदमी था पकड़ा था आपको, भूत नहीं था। तब उसको शांति हुआ, हाथ जोड़ा और बोला कि ठीक है गुरु जी, हम अब आपसे दीक्षा ले रहे हैं, अब हम समझ गए कि आप ही हैं कि सारे भय से मुझको मुक्त कर सकते हैं। तो देवी आत्माएं सदगुरु को केवल समर्पण करते, हमारे अंदर कितनी कुरूतियां हैं, कितने हमारे पाप हैं, कितने हमारे अपराध हैं, कितना हमारा क्या है, सदगुरु सबसे हटा करके और हमें उस परम शक्ति सत्ता तक पहुंचा देते हैं, और हमें इस शरीर को देवत्व दानव तत्व से हटा करके देवत्व जागृत करते हैं, और सदगुरु फिर हमें वहां पहुंचा देते हैं जिस धाम से हम लोग आए हैं, ठीक है। लेकिन सदगुरु अब बोले, जितना भरोसा आपका बढ़ता जाता है मंत्र वही रहता है, और जैसे जैसे भरोसा बढ़ता जाता है वैसे ही आपकी शक्ति बढ़ती जाती है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, गोस्वामी जी महाराज लिखे हैं, भगवान राम स्वयं अपने मुंह से शिवरी माता को बताए हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, मंत्र का जाप भी इतना विश्वास से किया जाए, जैसे जैसे भरोसा होता है, जैसे जैसे भरोसा बढ़ता जाता है वैसे वैसे तप की शक्ति का परिणाम भी बढ़ता। एक दृष्टांत बताकर समापन करेंगे।